पूर्व मंत्री एवं नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि इस समय राजनीतिक व व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो आदेश जारी हो रहे हैं उनकी पालना होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने का उपाय सुरक्षा और घरों में रहना ही है। उन्होंने कहा कि वे स्वेच्छा से पुलिस, स्वास्थ्य व सामाजिक संस्थाओं में 1500 गाउन देंगे, जिसके बारे में उन्होंने पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा से बात की है। उन्होंने बताया कि जिला में लगभग 750 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को वे गाउन बांटेंगे ताकि वे सभी सुरक्षित रहकर सुरक्षा कर सकें। उन्होंने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि बिलासपुर जिला में कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो साधन संपन्न होने के बावजूद सरकार व सामाजिक संस्थाओं द्वारा मुहैया करवाए जा रहे निःशुल्क राशन को ले रहे हैं। उन्होंने इन लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वे इस तरह का काम ना करें, उन्हें इस विकट परिस्थिति में गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अपने विधानसभा क्षेत्र नैना देवी जी में दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान अगर किसी जरूरतमंद परिवार को मदद की आवश्यकता होगी तो उसे तुरंत प्रभाव से हर संभव मदद कराने में भी परहेज नहीं करेंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे इस वक्त राजनीति को भूलकर एकजुट होकर कार्य करें। देंगे अब बात क्या होता है, अगर सरकार ये कहे नहीं जी डॉक्टर की 50 लाख का जो है वो उसकी वो होनी चाहिए, जो इंश्योरेंस होनी चाहिए, तो ये कोई बात नहीं है। 50 लाख भी कुछ नहीं है जिंदगी के आगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको उनका धन्यवादी होना चाहिए कि वो आज कठिन परिस्थिति में, क्योंकि प्राण सबको प्यारे होते हैं, अपने परिवार भी सबको प्यारे होते हैं, जो इस बीमारी से जूझने के लिए स्वास्थ्य विभाग के और पुलिस विभाग के जो कर्मचारी दिन रात एक करके लगे हैं, उन सबका हमारे को जो है वो धन्यवाद करना चाहिए कि वो कठिन परिस्थिति में भी हमें हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन और भी है, देखो जो चीज़ें हैं जो मदद आ रही है सरकारी तौर पर मदद आ रही है, कोई रेड क्रॉस के माध्यम से जो है वो पैसा डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से खर्च हो रहा है, कुछ व्यापार मंडल जो है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं, मेरा एक निवेदन है कृपया करके इस काम में बेईमानी ना करें। मैंने देखा है कई लोग साधन संपन्न हैं, कई सरकारी कर्मचारी भी हैं, वो अपनी बीबी को आगे करके जो है वो अनाज मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। अरे ये देखो कि अगर मान लो तुम्हारे घर में वो बीमारी आ जाए तो क्या होगा फिर बताओ मेरे को। अगर मान लो आज ये जो परिस्थिति आई है उसका हम इतना नाजायज फायदा उठा लें कि जो भी पैसा चाहे वो सामाजिक संस्थाएं दे, चाहे वो कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई कंपनी दे, या मान लो सरकार की ओर से जो जो हो रहा है वो उसमें भी अगर हम बेईमानी करना चाहें तो ये मैं कहूँगा ये ठीक नहीं है। दूसरा मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से भी निवेदन है कि कृपया करके एक चीज़ देख लें कि ये जो मदद हो रही है ये लिस्टें बना के मदद हो रही है, कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से उन लोगों के नाम ले रहे हैं और आज भी आज की परिस्थितियों में भी लोगों को जो है ना वो चुनाव के लिए वातावरण पैदा करने के लिए जो है इस काम का प्रयोग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया करके उस इशू से डरो, कृपया करके। मैं कहना चाहूँगा आज अगर पूरी दुनिया को देखा जाए जो जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं जो वर्ल्ड पावर अपने आप को बोलते हैं उनके हाथ खड़े हो गए, आज साइंस भी फेल होगी इसके आगे के भी आगे क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा उस ईश्वर के हाथ बड़े लंबे हैं। अगर मान लो ये कहा जाए कि नहीं जी ईश्वर हमारे को नहीं देख रहा है, अरे सबको देख रहा है कि कौन बेईमानी कर रहा है। और आज की परिस्थितियों में भी अगर मान लो इस प्रकार की बेईमानी हम करेंगे तो मैं कहूंगा उससे बड़ा जो है ना वो जुल्म हम अपनी पीढ़ियों के ऊपर जो है नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने पुलिस के जो हमारे नौजवान हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं, मुझे लगा कि उनको थोड़ा सा जैसे ड्यूटी पे डॉक्टर्स जो है वो गाउन पहनते हैं ताकि जो 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 इन्फेक्शन उनको हो जाए। अब जो पुलिस के जवान हैं वो पुलिस यूनिफॉर्म में हैं तो मैंने ये सोचा था कि मैं उनके लिए गाउन जो है वो दूंगा, अपनी तरफ से दूंगा। विधायक निधि के नहीं है, विधायक निधि तो हमारी ख़त्म हो चुकी है, हमने दे दी है, पर मैंने उसके लिए ऑर्डर किया है। एक दो दिन में जो है मैंने पुलिस SP से पता किया था, 750 पुलिस के जवान हैं जिनको जो ड्यूटी पे हैं उनको हम ये गाउन 2 दिनों के अंदर अंदर मुहैया करवाएंगे। कुछ और भी लोग हैं जो इस काम से लगे हैं उनको भी दूंगा।
कुछ चुनाव क्षेत्र में हमारे लोग हैं जो इस काम से लगे हैं, उनकी तरफ को भी जाऊंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये टोटल को 1500 जो गाउन है मैंने उसका ऑर्डर किया है, 2-1 दिनों में आ जाएंगे। और मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि उसमें कोई राजनीति नहीं होगी, सिर्फ ये है कि जो 750 अगर पुलिस के हैं, एसपी कार्यालय में मैं वो भेजूंगा, इट इज़ फॉर द एसपी साहब टू डिस्ट्रीब्यूट दैट। दूसरे हमारे जिनको जरूरत होगी हमारे लोग जाएंगे गांव में और उनको जो है ना जो है सारा करना चाहिए। लेकिन पहली चीज ये है कि हमारे सारे जितने भी लोग इसमें जो लगे हैं वो वेल इक्विप्ड होने चाहिए, सारे उनके लिए जो है ना हाथों में जो है वो दस्ताने होने चाहिए, आपके जो है ना वो बिल्कुल कीटाणु ना जाए अंदर सांस के माध्यम से, तो वो भी सारा जो है वो सिस्टम होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसको ज़रूरत है, कोई मान लो उसको खाना नहीं हो रहा है, गरीब है, काम नहीं कर रहा है, हम उस तरफ को भी जाने का प्रयास करेंगे और उनकी भी मदद करेंगे, जो जो सही लोग हैं उनकी मदद होगी। और उसे मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके राजनीतिक स्वार्थ से इस चीज़ में जो है वो कपट पैदा मत करो।